चीन पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। पूरे देश में इसकी भौगोलिक विशेषताएं बहुत विविध हैं, कई समुद्रों और पहाड़ों से लेकर रेगिस्तानों और टुंड्रा तक। इनमें से कई विशेषताएं जैसे विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं और रेगिस्तान ने प्राचीन चीन को अलग थलग और संरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक बाधाएं पैदा की। प्राचीन चीन का विकास पीली नदी और यांगत्ज़ी नदी के किनारे हुआ था, जो आज भी प्राकृतिक बाधाओं से सुरक्षित हैं। चीन ने अचानक अपने रेगिस्तान में खरगोश छोड़ने क्यों शुरू कर दिए? चीन ने 1.2 मिलियन रैबिट्स छोड़ दिए हैं अपने रेगिस्तानों में। 12 लाख रैबिट्स और क्यों छोड़े हैं, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, चाइना कुछ भी करता है तो बिना अपने फायदे के कभी कुछ नहीं करता। चीन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। चीन के रेगिस्तान अपना आकार लगातार बढ़ा रहे थे। 1990 की बात करें, 90 के दशक की बात करें, तो चाइना का डेजर्ट फाइड लैंड जो था, जहां डेजर्ट था, रेगिस्तान था, वो 1.714 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, तकरीबन 17 लाख मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की तकरीबन लगभग 1/5 ऑफ द टोटल कंट्रीज लैंड, यानी कि बट 2015 में जब ये आंकड़ा खा गया तो हैरान करने वाला था। सन 2015 आते आते चाइना का डेजर्ट फाइड लैंड रेगिस्तानी इलाका बढ़ गया, एक्सपेंड हो गया 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक तिहाई जमीन जो चाइना की थी वो रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी थी। इससे चाइनीज अथॉरिटीज को होश आया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें जरूर बड़े कदम उठाने चाहिए, अन्यथा जो एक्सपेंशन हो रहा है रेगिस्तान का चाइना के अंदर, वो 10,400 स्क्वायर किमी एनुअली हो रहा था 21वीं सेंचुरी में। जैसे ही सन 2000 क्रॉस किया, तब से लेकर अभी तक हर साल 10,000 किमी से ज्यादा जो एरिया था चाइना का, वो रेगिस्तान में बदल रहा था। इसे रोकने के लिए वहां पर बेहद बड़े प्लांटेशन की गई, जिसे एफॉरेस्टेशन जिसे कहा जाता है। प्लांटेशन के कार्यक्रम शुरू हुए रेतीली जमीन को बांधने और वहां पर हरियाली लाने के लिए, ताकि जो एक्सपेंशन है, रेगिस्तानी जो लैंड था जो लगातार बढ़ता जा रहा था, उसे रोकने की मुहिम चलाई जा सके। लेकिन वह काम नहीं आ रहा था, और तभी एंट्री होती है चाइना की एक नामी ग्रामी रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट की, चाइनीज साइंटिस्ट जिसका नाम कियान जूजन है। उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज लाया। इन्होंने कहा कि इसके बजाय हम सिर्फ पेड़ पौधे और घास उगाएं रेगिस्तान में, रेगिस्तान के एक्सपेंशन को रोकने के लिए, क्यों ना हम इसे एक इकोसिस्टम दें। और उसके बाद तीन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। एक तो फॉरेस्ट्री, यानी कि जंगलों में जिस पैटर्न में पेड़ पौधे उगते हैं वो एकदम यूनिफॉर्म नहीं रहते, यानी अगर सागौन लगा है तो सागौन ही सागौन लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता। वहां मिक्स होता है अलग अलग स्पीशीज के पेड़ पौधों और झाड़ियों का, ग्रास का, घास का। तो उस पैटर्न को अपना करके प्लांटेशन की जाने लगी। पहला फॉरेस्ट्री का इंक्लूड किया गया, दूसरा वहां पर एग्रीकल्चर इंक्लूड किया गया, ताकि लोगों को रोजगार मिले। आबादी बहुत बड़ी है चाइना की, और एक तिहाई जमीन अगर रेगिस्तान बन जाए तो लोगों का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों को रोजगार देने के लिए वहां पर एग्रीकल्चर, उस प्रकार की फसलों को चुना गया जो रेतीली जमीन में कम पानी में पनप सके, और एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। पहले फॉरेस्ट्री प्रमोट की गई, फिर एग्रीकल्चर प्रमोट किया गया, फिर उसी में मेन इकोसिस्टम ऐड करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री ऐड कर दी गई। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसमें फॉरेस्ट्री भी था, जिसमें एग्रीकल्चर भी था और एनिमल हस्बेंड्री भी था। एनिमल हस्बेंड्री को हिंदी में पशुपालन कहते हैं। और यहां पर चाइना कौन सा पशु पाल रहा था, ये तय किया चाइना के रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट कियान जिनसेन ने। इन्होंने यह रिसर्च किया कि अगर हम कुछ ऐसी प्रकार की स्पीशीज, ऐसी जनजाति का जानवर अगर हम यहां पर डाल दे जो कि यहां पनप सके सूखे एनवायरमेंट में, और बेहद तेज गति से वह ब्रीड कर सके, तो सबसे बढ़िया रहेगा। और उन्होंने चुना फ्रांस के एक स्पेशल ब्रीड के रैबिट को, खरगोश को। यह रेक्स हेयर रैबिट फ्रांस का था, रेक्स हेयर रैबिट इसका नाम है, और इसे, इसकी जो प्रजाति थी
उसको यहाँ पर धीरे धीरे इसका पशुपालन होने लगा, एनिमल हस्बेंड्री होने लगी। जो एग्रीकल्चर करने वाले किसान थे वही रैक्स हेयर रैबिट की ब्रीडिंग करवा रहे थे, उसका पशुपालन कर रहे थे, साथ में एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे और जमीन को बचाने के लिए फॉरेस्ट के पैटर्न में प्लांटेशन भी करते जा रहे थे। उसके बाद जो हुआ वह हैरान कर देने वाला था दोस्तों। ये जो रेक्स रैबिट है इसकी खासियत होती है यह घास की जड़ों को तलाशता है और घास की जड़ों को तलाशने के लिए इसे जमीन की मिट्टी में खुदाई करनी पड़ती है। यह सुरंगें बनाता है, सुरंग बना करके घास की जो जो जड़ें होती हैं वहां तक पहुंचता है, फिर उनको चरता है। तो ये करने के लिए इसे सुरंगें बनानी पड़ती है। अब एक सबसे बड़ी बात ये जो रेक्स हेयर रैबिट है ये बाकी जानवरों की तुलना में 25 गुना ज्यादा इसकी प्रजनन क्षमता होती है, इसकी ब्रीडिंग कैपेसिटी होती है। एक साल में 40 बच्चे तक दे सकती है एक रेक्स हेयर रैबिट की जो मादा है। मादा खरगोश तो बेहद तेजी से ग्रो करने लगे। अब टारगेट ये रखा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में अभी जहां पर 12 लाख जो रैबिट वहां छोड़े गए हैं वो बड़े आराम से 18 लाख रैबिट हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इन्होंने पूरी जमीन को छेद डाला, पूरी जमीन की खुदाई कर दी। अब खुदाई करने से क्या होता है, सोइल में इम्प्रूवमेंट आ गया क्योंकि इन्होंने गड्ढे खोदे तो एयर अच्छे से घुसी, नीचे की मिट्टी ऊपर आई, ऊपर की मिट्टी नीचे गई, जैसा कि अमूमन हल चलाने से होता है। लेकिन यह अनऑर्गेनिक वे में हुआ। सबसे बड़ी बात, घास की जड़ें खा 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 कर उसकी सीड्स जो थे इसके मलमूत्र में अलग अलग इलाकों में फैलते चले गए और वहां नए अंकुरण फूटने लगे और जो है वहां पर अलग से एफॉरेस्टेशन होने लगा, वहां पर जो है घास उगने लगी। तो इनकी ब्रीडिंग के साथ और इनके खाने पीने के बिहेवियर के चलते इनकी खुदाई के तरीके की वजह से बीज फैलने लगे। वो इलाका जो पूरी तरीके से रेतीला था धीरे धीरे वो अब ग्रीन होता चला जा रहा है। चाइना की जो रेगिस्तानी जमीन थी उसके ऊपर बोलना चाहिए वेजिटेशन का कवरेज, यानी पेड़ पौधे झाड़ियां जो कुछ भी था उसके कवरेज की परसेंट अगर देखें तो पहले 3% था, यानी कि 100 किमी का। अगर रेगिस्तान है तो 3 किलोमीटर बस में जो है अलग अलग जगह छितराया हुआ थोड़ा बहुत वेजिटेशन, थोड़े बहुत जो है झाड़ियां जो है पेड़ पौधे दिखाए करते थे। लेकिन जब वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया रेक्स हेयर रैबिट को, उनकी प्रजाति को बड़े तादाद में उन्होंने इस प्रकार की खुदाई की, इस प्रकार का वो मलमूत्र से छिड़काव किया और साथ में उनके एक्सक्रीट में, उनके मलमूत्र में जो बीज फैलते चले गए, उसके चलते हुआ ये कि जो रेगिस्तान में सिर्फ 3% वेजिटेशन पेड़ पौधे नजर आते थे अब वहां पर 84.6 पर 2021 में दर्ज किए गए हैं। 84% से ज्यादा जमीन जो रेतीली जमीन है, रेगिस्तानी जमीन, उसके ऊपर भी पेड़ पौधे झाड़ियां घास देखने को मिल रही है और जितना ज्यादा ये होता जाएगा उतनी ज्यादा जमीन कन्वर्ट होती जाएगी और इसे हर देश को अपनाना चाहिए। अगर सक्सेसफुल हो सकता है तो ये भारत में भी हो सकता है। भारत में भी जो रेगिस्तानी जमीन है उसे बदला जा सकता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना है आपका, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।